प्यार भी था, करार भी था, शादी के लिए घर दुल्हन की तरह सजा भी था, लेकिन दुल्हन के अरमानों पर पानी फेर कर दुल्हा बिना दुल्हन लिए ही फरार हो गया। ये चौंका देने वाला मामला पंजाब के अमृतसर से सामने आया है। यहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी, शादी के पहले की सारी रस्में अदा हो चुकी थी, लेकिन शादी वाले दिन दुल्हा दुल्हन को लेने पहुंचा ही नहीं। शादी का झांसा देकर दुल्हा और उसका पूरा परिवार फरार हो गया। एक कुड़ी करके मैं दरखास्त देती ही शुक्र, ठीक है। आज तो 6 महीने पहले कुड़ी ने कुछ खा लिया थी, ठीक है। वो तो भी ये माँ प्यो कहते ही वही भी तेरे ब्याह करा, 6 महीने टपा के फिर 2 महीने लै गए, फिर नहीं ब्याह किया। 28 तरीक का सर वादा करके महिला मंडल ही उत्थे लहाया भी है, 28 तरीक भी 28 तरीक का ही ब्याह करा, 28 तरीक तो इन्होंने धोखा दे के फिर निकल गए। माँ प्यो नाल सहमत है चीज़ ना, जेडे इन्हों प्रधान वो सानू धोखे रख रहे थे, धोखे रख के इन्होंने गुमराह करके उन्होंने इदा किया साढ़े न। मामला अमृतसर के मकबूलपुरा थाने का है। दुल्हन ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसका दुल्हा शादी किए बिना ही फरार हो गया और दुल्हन और उसका परिवार पुलिस से इंसाफ करने की गुहार लगा रहा है। असल में दुल्हन कमलप्रीत कौर और फरार दूल्हे का 1.5 साल से अफेयर चल रहा था और कमल चाहती थी कि रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी कर ली जाए। लड़का शादी के लिए तैयार भी हुआ, लेकिन एंड मौके पर धोखा देकर रातों रात फरार हो गया। दसन मुताबक लड़की की दरखास्त मुताबक दसन दे इन्हां दोनों का फेयर ही कितने पहला, बाद च इन्हां दा चलो करारनामा हो गया कि अं मैरिज कर लें। तो मैरिज दौरान हुण मुंडा भज चुका घरों, मुंडा घरे नहीं हैगा, तो इन्हां दा ही दरखास्त इन्हां कहते दो एक अं पड़ताल करते हैं प्रॉपर। तो लड़की तो यो कहती है कि मेरे ना विआह दा झांसा दे के मेरे ना मतलब रिलेशन बनाउंदा रहा वा, तो उही पड़ताल करांगे दरखास्त लैके जो कानून हुंदा उहदी कार्रवाई करांगे। सर कितों दा रहण वाला है? लड़के दा नाम मनदीप सिंह आ, इत्थों लोकल मकबूलपुर थाने दे एरिया दा रहण वाला। इस दुल्हन और भगोड़े दुल्हे की पूरी कहानी आपको बताते हैं। असल में 1.5 साल रिलेशनशिप के बाद कमल चाहती थी कि दोनों शादी कर लें, लेकिन लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया, जिसके चलते दुल्हन ने जहर तक खा लिया। जैसे तैसे दुल्हन को बचाया गया, परिवार और गांव के दबाव में आकर लड़के ने शादी के लिए हामी भी भर दी। फिर उसके बाद लड़का और उसके परिवार वाले शादी के लिए टाल मटोल करते रहे। लंबे समय बाद जब बात नहीं बनी तो लड़की और उसके परिवार ने मुद्दा पंचायत में उठा दिया। पंचायत में करारनामा हुआ और दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी गई। उसके बाद सब ठीक चल रहा था। शादी से पहले की एक एक रस्म को पूरे रीति रिवाज से पूरा किया गया। शादी से एक दिन पहले लड़के के परिवार ने लड़की के घर जाकर सुहाग की चूड़ियां तक पहनाई, लेकिन शादी से एक रात पहले दूल्हा फरार हो गया। खुद सुनिए दुल्हन की आप भी। कल ब्याह का लारा लाया सी, कल मेरी मैरिज सी, ते कल तो घरे नहीं है। कौन की नाम है? मनदीप सिंह। परिवार नाल सी का? हाँ जी, परिवार सारा मैनू आया सी, चूड़ियाँ चढ़ा के चले गए। ब्याह दी सारी रस्मां तैयार हो गईयां? हाँ जी, सारी रस्मां हो चुकियां सी। गया कल भी गेस्ट आए हुए सी ब्याह दे। तो की कोई बच्चे कोई झगड़ा वगैरह होया सी या की गल हुई है? कोई तुहानूं पता है कि क्यों इहो जिहा जिहड़ा उह गया है? कोई झगड़ा होया तुहाडे नाल उहदा? नहीं, साडा कोई झगड़ा नहीं होया, सहमति नाल होया सी सारा कुछ। उन्हां नूं पता नहीं इस वक्त उन्होंने क्यों इस कुछ कीता। अच्छा, हाँ जी। तुसीं की मांग करदे हो? असीं मांग करदे सानूं इंसाफ मिले, नूं जेल होवे। वहीं लड़की के परिजनों ने होने वाले दुल्हे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी सभी रस्मों में लड़के का परिवार शामिल था। दोनों परिवारों द्वारा शादी की तैयारियां भी की जा रही थी, लेकिन शादी से पहले ही लड़का घर से कहीं चला गया है। और इस घटना के बाद लड़की के परिजनों ने मकबूलपुरा थाने में लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से लड़के को जल्द से जल्द गिरफ्तार और उचित कार्रवाई करने की अपील तक की है। और इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस मामले की शिकायत मिली है, जिसकी अब जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने लड़की के परिजनों को आश्वासन तक दिया है कि जांच के बाद लड़के के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।